जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मनमोहन झगामा, साहिबाबाद विधानसभा प्रत्याशी AIMIL। आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करना है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप साहिबाबाद के मतदाताओं का अपार प्रेम और समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने बीच से अपने सेवक, अपने गरीब सेवक को चुनने का काम करेंगे। विधायक नहीं, आप सेवक बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपका ये प्यार, ये समर्थन और सहयोग को देखकर विरोधी किस कदर बौखला गए हैं, इस पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी जब नॉमिनेशन करता है तो उसे उसकी सुरक्षा हेतु गनर दिया जाता है, लेकिन मेरे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। मेरे साथ सिर्फ इसलिए ऐसी बात की जाती है क्योंकि मैं बिहारी हूं, इसलिए इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है क्योंकि मैं AIMIL का प्रत्याशी हूं। दोस्तों, पहले भी आपको अवगत है कि हमें जान से मारने की धमकी मिली थी और कल रात भी एक महानुभाव, कथित हिंदू जो अपने आप को HRD का नेता बताता है, वो फिर हमें धमकाने का प्रयास करता है और धमकाते हुए यहां तक कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो 10 तारीख के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सिपाही गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है अपने घर से। सर पे कफन बांध के मैं निकला हूं। पंडित मनमोहन झगामा को कोई डराकर नहीं झुका सकता, पंडित मनमोहन झगामा को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरी हत्याएं हो सकती है और मुझे मिटाकर ही मुझे खत्म किया जा सकता है इन विरोधियों के द्वारा, और इन विरोधियों ने वो सारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। खास करके मैं अपने साहिबाबाद के